वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल बाजार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी तो इस नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी सब दी एक बड़ी वड्डी माड़ी आदत है कि आपां पाठ चाहे मगरों करिए, कोई भी दान पुण मगरों करते हैं, पर उसके फल की इच्छा सानू पहला तो ही हो जाती है कि जे मैं पाठ कर रहा या कोई दान पुण कर रहा तो मैनू इस दे बदले फल की मिलेगा। असी अपना स्वार्थ पहला रख के फिर कोई काम करते हैं। आप कहने कि परमात्मा मैं आ चंगा काम करन लगा हाँ, इस दे बदले मैनू की मिलेगा। जिस तरह आप किसी नू 100 रुपया दे के आप 1000 मिलन की आस रखते हैं, पर महापुरख जी कहते असल भला वो है जिस विच साडा स्वार्थ ना होवे। असी किसे नू खुश करिए ता अपनी खुशी दी आस ना रखिए। बस यही मन विच होना चाहिदा कि मैं इस रोंदे होए नू हसाउणा है, इस रोंदे नू चुप करवाउणा है, इस दे बदले मैनू चाहे दुख मिले जां सुख मैनू कोई परवाह नहीं, पर मैं इस दे चेहरे दे उत्ते मुस्कान देखनी है। सतगुरु कहिंदे जिस दिन तू अपने चंगे कम्मां नू करके भुल जावेगा मैं उसे दिन तेरे बुरे कीते कम्मां नू भुला देवांगा। पर आपां खुद ही गलती कर बैंदे आ जदों आपां अपने चंगे कर्मां दा फल मंगदे आ। जिवें मान लो कि साडे उत्ते जरा जिन्ना भी कोई दुख आ जावे, माड़ा समा होवे, तां आपां अपने वाहिगुरु जी नू अपने सारे कीते हुए पाठ सारे चंगे कीते कम गणाउणे शुरू कर दिंदे आ कि परमात्मा मैं तो इस वेले इन्ने पाठ किए, मैं तो इन्ने चंगे काम किए, तुसी मैनू दुख क्यों दिता। तो सतगुरु कहिंदे तू खुद ही अपने कर्मां दी किताब मेरे अगे खोल के रख दिना है। जदों मैं तेरे चंगे कर्म गिनने शुरू करदा हाँ तो माड़े अपने आप जाहर हो जाते हैं। इसे करके सतगुरु जी कहिंदे तू सिर्फ चंगे काम कर, फल दी इच्छा ना रख। मैं तेरे कीते हुए पाठ तेरे कीते हुए चंगे कर्मा दा फल तेनूं जरूर दवांगा, ये तेनूं चिंता करन दी लोड़ नहीं। ता देखना जिस दिन तो भी आपां अपने कीते हुए चंगे कर्म गणाउणे छड्ड दित्ते ते मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने साडे माड़े कीते कर्म भी माफ कर देणगे। ते आओ अज तो जदों भी पाठ करना है, जदों भी कोई दान पुण करना है, लोक भलाई दा काम करना है, निरस्वार्थ हो के करना है, फल दी इच्छा नहीं रखनी। मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी बिना मंगिया ही साडियां झोलियां खुशियां दे नाल भर देणगे।